और कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा जी, अभी ताज़ा स्थिति क्या है हरियाणा में हिंसा को लेकर? जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो चौंकाती हैं, बड़े सवाल उठ रहे हैं एक हरियाणा वासी से कि जो सदियों से चला रहा हमारा आपसी सद्भाव और शांति अमन चैन, उसको बनाने में सब अपना योगदान दे, सरकार भी जो कोई कदम उठाना चाहे वो उठाए कि शांति सुनिश्चित करने में सरकार भी अपना योगदान दे। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, इस आपसी सद्भाव शांति का प्रतीक आज गुड़गांव दुनिया का सबसे बड़ा निवेश का केंद्र बन के जो उभरा है, क्योंकि 75 साल में हरियाणा में ऐसा वातावरण नहीं बना था। इस तरह के कुछ ताकतें जो है उस हरियाणा की एक सफलता पे की तरफ नज़र उनकी उठती है, ऐसी ताकतों को कामयाब नहीं होने देना है, अमन चैन शांति बने, ये सबसे अपील। ये कहा जा रहा है स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि एक सुनियोजित हिंसा हुई है, क्या आपके पास जानकारी है इस पूरी हिंसा को लेकर? ये जो दिखाई देता है वो निश्चित तौर से बड़ी प्रशासनिक चूक और प्रशासनिक विफलता की वजह से ये घटना घटित हुई। अगर समय रहते प्रशासन सतर्कता बरतती, वहाँ पर पुलिस प्रशासन की नियुक्ति की जाती तो ये घटना होने से टाला जा सकता था, लेकिन केवल होमगार्ड के भरोसे छोड़ दिया गया। ये कहीं ना कहीं आज जो उप मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने भी प्रशासनिक विफलता की बात कही है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि ये जो है प्रशासन को जानकारी नहीं थी इसकी, और जो जानकारी थी तो उतनी नियुक्ति नहीं हुई। यही बात जो राव इंद्रजीत वहाँ से भाजपा के सांसद है, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट में यही कहा है कि इस तरह से जो है अपना कुछ पहले से कोई वीडियो आ गए थे लोग उससे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रशासन नहीं लगाया गया। तो भाजपा के सांसद मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की जो ये बात है वो भी प्रशासनिक विफलता बताती है, और मुख्यमंत्री जी ने भी जो कहा है कि प्री प्लान था, तो अगर था तो वो भी प्रशासनिक विफलता दिखा रहा है आपका बयान, क्योंकि अगर प्री प्लान था तो क्या आपकी CID ने आपको जानकारी नहीं दी, कहाँ चूक रही? और कई TV चैनल्स पर यह भी चला है कि CID ने दे दी थी जानकारी लेकिन पुलिस तक नहीं पहुँची, तो कहाँ रुक गई बीच में? तो ये सारे प्रश्न उठते हैं, सही समय पे हम ये प्रश्न उठाएंगे। आज जो है केवल शांति की हम अपील करना चाहते हैं। धन्यवाद बात करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा। और हिंसा को लेकर इस पर सुनियोजित साजिश के जो आरोप लगे हैं उस पर यहाँ पर प्रशासनिक विफलता भी है, ये बड़े आरोप लगा रही हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।